अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। सो पाकिस्तान की फ़ोन इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है और हमारे पास एक नया फ़ोन जो कि लॉन्च किया गया है Xiaomi की तरफ से। इट्स देयर फ्लैगशिप सीरीज़ एंड इट्स कॉल्ड Redmi Note 12। मैं इस फ़ोन की लॉन्च पे दुबई में था रमज़ान में, एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज़ एन अमेजिंग डिवाइस। और इसके फीचर्स, इसका कैमरा, इसका एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ वाला, इसकी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया। ये बड़ा रेयर होता है कि फ़ोन की लॉन्च से पहले आपने फ़ोन एक्सपीरियंस किया हो, बट दुबई में चूंकि पहले लॉन्च किया गया था तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फ़ोन को दो वेरियंट्स में लॉन्च किया जा रहा है। वन इज 6 GB 128 GB, इट्स गोना कॉस्ट यू 60,000 रुपीज़। एंड द अदर वन इज़ 8 GB 128 GB, इट्स गोना कॉस्ट यू 65,000 रुपीज़। अवेलेबिलिटी की बात करें तो मी स्टोर, दराज, शाओमी सेल, कोर कार्ट और रिटेल स्टोर सब जगह आपको मिलेगा। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पूरा PR बॉक्स है, इसके अंदर कोई गिफ्ट भी आया होगा वो भी देखते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इस फ़ोन को इसकी प्राइस टैग के हिसाब से जज करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये ठीक प्राइस टैग के हिसाब से लॉन्च हुआ है या नहीं। दुबई में किस प्राइस टैग के हिसाब से लॉन्च हुआ था वो भी वीडियो के एंड पे ज़रूर बताऊँगा। तो हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं गाइस और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है हमारे पास। एंड वी डू हैव अ Redmi Note 12 और उसके साथ ही हमारे पास है यहाँ पे Redmi Buds Essentials। ये इस PR बॉक्स में साथ आए हैं, सो आई एम गोइंग टू कीप देम। एंड देन वी हैव कपल ऑफ स्टिकर्स, लिव विविड, Xiaomi दिस एंड दैट। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की। तो अगर इसके वेरिएंट की बात की जाए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट है। हमारे पास ओनेक्स ग्रे कलर है। तो जल्दी से देखते हैं कि फ़ोन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं। तो हम इसको अनरैप करते हैं और लिड को हम आहिस्ता 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 पिकअप करते हैं। सो गाइस वी डू हैव अ कपल ऑफ Essentials, जिसके अंदर सिम इजेक्शन टूल है, कुछ पेपर वर्क है और एक कवर है विच इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ़ोन। और देन हमारे पास डिवाइस है, इसको हम ज़रा बाद में देखते हैं। वी डू हैव अ 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक एंड दिस इज़ गोइंग टू चार्ज योर फ़ोन। और उसके साथ ही हमारे पास जो केबल है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास टाइप सी की एक केबल देखने को मिलती है। तो फ़ोन को ज़रा हम अनरैप करते हैं, सेटअप करते हैं और उसके बाद बाकी बात करते हैं। बट पहले ज़रा आपको एक ग्लांस इसकी दिखा देते हैं। ओ वाओ, सो दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रीमियम लुकिंग डिवाइस। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रीमियम डिवाइस, बट ये मैट फिनिश और उसके ऊपर ग्लास जो रिफ्लेक्शन दे रहा है, ओ माई गॉड, दिस इज़ सुपर डुपर किलिंग। तो फ़ोन तो काफ़ी मज़ेदार है। ओनेक्स ग्रीन कम और ब्लैक ज़्यादा लग रहा है, बट चलो इसको ऑन करते हैं, सेटअप करते हैं और फिर बाकी बात करते हैं। सो प्रो पाकिस्तानी, इस फ़ोन सेटअप करने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ पे बात होगी वो है डिज़ाइन, क्योंकि मैं काफ़ी क्रिटिकली डिज़ाइन को एग्जामिन करता हूँ। बैक साइड की बात करें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मैट फिनिश की बैक है। इसके ऊपर ग्लास इंटीग्रेटेड कैमरा बम जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक फ्लैश लाइट है और इसको काफ़ी खूबसूरती से प्लेस किया गया है। साइड्स की बात करें तो मुझे ये फ्रेम काफ़ी मज़े का और प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर कम पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप पे आपके पास हेडफोन जैक है और बॉटम की बात करें तो आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल और नॉइस कैंसिलेशन माइक है। प्रो पाकिस्तानीज, अगर इस फ़ोन के फ्रंट के डिज़ाइन की बात करें तो पंच होल कटआउट है, साइड पे एजेस बहुत कम है, बॉटम पे एक छोटी सी चिन बेयर करनी पड़ेगी। बट अगर डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 12 का जो सबसे मेन फीचर है मेरी नज़र में वो इसका डिस्प्ले है। टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो 6.67 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है Xiaomi की तरफ से और ये 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, क्योंकि चाहे आप कैमरा यूज़ करें, आप मल्टीमीडिया यूज़ करें, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कुछ भी, डिस्प्ले का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इस 65,000 के प्राइस टैग में आपको 120 हर्ट्ज़ वाला एमोलेड डिस्प्ले डॉलर के करंट रेट के साथ मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो इसके ऊपर आपका जो मल्टीमीडिया या जितनी भी कंटेंट की कंजम्पशन है वो काफ़ी क्रिस्पी, क्रंची और कलरफुल होने वाली है। सो लिव विविड का सीन ये है कि 50 MP का आपको मेन सेंसर मिलता है जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ आता है। ये वाइड सेंसर है और अपर्चर इसका f1.8 है। 8 MP का f2.2 के साथ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको देखने को मिलता है
और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो फ़ोटोज़ आने वाली हैं ये काफ़ी मज़ेदार आने वाली हैं। ज़ाहिर है मैं रिव्यू जब इस फ़ोन का करूँगा तो उसके अंदर वीडियोस, फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें और कैमरा रिजल्ट्स के बारे में बात करूँगा। सेल्फ़ी शूटर की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फ़ी शूटर है जो कि पंच होल कट आउट की शेप में है। ये f2.5 अपर्चर के साथ आने वाला सेल्फ़ी शूटर है और आपको वीडियोज़ में 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर मिल जाएंगी। अब इस फ़ोन के एक और मेन फीचर की बात करते हैं और वो है जी इस फ़ोन का प्रोसेसर। ये फ़ोन अपने साथ Qualcomm Snapdragon 685 लेकर आता है जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस करने वाला प्रोसेसर है। ये एक टाइम पे फ्लैगशिप प्रोसेसर हुआ करता था एंड दिस गिव्स यू अल्टीमेट पावर एंड दिस गिव्स यू अ पावर के जिसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकें, आप गेम्स कर सकें और आप भारी जो काम है वो कर सकें। एक नॉर्मल यूजेज होती है एक फ़ोन की, एक पावर यूजेज होती है। यहाँ पे ये फ़ोन आपको पावर यूजेज करने में हेल्प करेगा बिकॉज इसके जो स्नैपड्रैगन 685 है ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। GPU की बात करें तो एड्रीनो 610 की सपोर्ट के साथ ये आता है। इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू आर गेटिंग फास्ट चार्जिंग ऑफ 33 वॉट विद ऑल दीज फीचर्स इन द 60,000 rupees का प्राइस टैग। उसके साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है ये फ़ोन। सो दोबारा मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो वेरिएंट है ये 6GB 128GB है, इसका प्राइस टैग 60,000 रुपये है, और एक और वेरिएंट है जो 8GB 128GB है वो 65,000 रुपये का है। कहाँ से मिलेगा वीडियो के शुरू में भी बता दिया और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं। अभी तक ये फ़ोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर रहा है। रिव्यू में इसको मज़ीद हम देखेंगे कि इफ़ देर इज़ एनी इशू और समथिंग तो हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।